नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुकानों में शाम 4 बजे के बाद भी लगी रहती है भीड़। बेना नदी में मिले शव की हुई शिनाख्त। 108 लोगों ने ली वैक्सीन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना काल में शाम 4 बजे के बाद लॉकडाउन रहने के बावजूद बुट्टीपुरी नगर के स्थानीय दुकानदार शासन के नियमों की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं। शाम 4 बजे से लुका छुपी का खेल शुरू हो जाता है। शासन के नियम अनुसार सभी दुकानों को 4 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन मुख्य मार्ग व मार्ग के आसपास गलियों की दुकानों में भारी भीड़ 4 बजे के बाद भी लगी रहती है। और अगर पुलिस की गाड़ी दिखी तो आधा शटर बंद कर दुकान शुरू रख अपना कारोबार शुरू रखते हैं। बिना मास्क, बिना सैनिटाइज, नो डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानदार व ग्राहक भी अब बेखौफ हो गए हैं। और प्रशासन बार बार तीसरी लहर से बचने के लिए उपाय कर रहा है, लेकिन जनता व दुकानदार इससे बिल्कुल बेखौफ है। कुछ दुकानें शाम तक दूसरे दरवाजे से शुरू रहती है, इस पर प्रशासन ने ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा कोरोना जैसी भयानक बीमारी और ज्यादा पैर पसारेंगी। दूसरी खबर, गुरुवार को हिंगना परिसर में वेना नदी में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान दीनदयाल लाल पंची के रूप में हुई है, जो पेशे से चित्रकार है। गोंदिया जिले का मूल निवासी वर्तमान में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ राजीव नगर हिंगना रोड में किराए पर रह रहा था। दीनदयाल का शव गुरुवार सुबह यहाँ वेना नदी के तल में मिला था। हिंगना पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्वे ने शव उसके परिवार को सौंप दिया। तीसरी खबर, कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण को नागरिकों का प्रतिसाद मिल रहा है। वैक्सीन लेने के लिए केंद्र पर जमकर भीड़ दिखी। शनिवार को धामना ग्राम पंचायत के सभागृह में 45 से अधिक को टीका लगवाने का ऐलान किया गया था। करीब 108 लोगों को वैक्सीन देने की जानकारी स्वास्थ्य सेविका कुंदा सहारे ने दी। सफलतार्थ कुंदा सहारे, सुनीता सोमकुवर, ग्राम पंचायत सदस्य राजू पारधी, कर्मचारी नरेश पारधी, नरेश एलेकर, सुरेश कोल्ले ने प्रयास किए। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।